ब्लू शू प्रस्तुत करता है योग 32। माइंड का लो रिफ्रेश बिना दिए कोई कैश। पेशी खिदमत है हर बार की तरह 5 चुटकुले, 1 टीजे और 1 फन फैक्ट इस एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं। एक शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। एक दिन उसकी पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी। देख ले सुनीता, ये सुधरने वाले नहीं है, अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। एक बार सुरेश और रमेश गांव की एक सड़क पर मिले। सुरेश के पास एक बड़ी सी टोकरी थी। उसे देखकर रमेश ने सुरेश से पूछा, तुम्हारी टोकरी में क्या है सुरेश? कुछ खास नहीं, मुर्गियां हैं जो अभी मैं खरीद कर ला रहा हूँ। रमेश को शरारत सूझी और उसने सुरेश से बोला, अच्छा अगर मैंने ये ठीक ठीक अंदाजा लगा लिया कि तुम्हारी टोकरी में कितनी मुर्गियां हैं, तो क्या तुम सारी मुर्गियां मुझे दे दोगे? ठीक है, तुम चारों मुर्गियां ले लेना, रमेश ने जवाब दिया। ओके, इसमें 5 मुर्गियां हैं। चिंटू ने देखा कि पिंटू बहुत उदास बैठा था, तो उसने पिंटू से पूछा, क्या हुआ पिंटू, बड़ा उदास उदास दिख रहा है? कुछ नहीं यार, कल मैंने इंडिया के जीतने पर शर्त लगाई और 1,000 रुपए हार गया। ओह, किस पर शर्त लगाई थी? 500 रुपए की, इंडिया के जीतने पर। अरे लेकिन फिर तू 1,000 रुपए कैसे हार गया? 500 की हाइलाइट्स पर भी लगा दी थी इसलिए। No. पिंटू अपनी शादी के बाद चिंटू से मिला और बोला, तुझे पता है चिंटू, मुझे शादी में BMW मिली है। पर तुम्हारे घर के बाहर तो कोई BMW नहीं खड़ी है। अबे गधे, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर है। BMW का मतलब बहुत मोटी वाइफ। No. पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी और रास्ते में उसको समझा रही थी, तुम चल तो रहे हो पर वहाँ पहुँच कर लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। पति ने झुंझलाकर जवाब दिया, तो मेरे पापा का घर क्या कुरुक्षेत्र है जो रोज यहाँ महाभारत करती हो? No. दोस्तों अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद।